यहाँ पर सिंपल आप क्या करेंगे फिर, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 1 = 3 हो गया, प्लस में 3 × 2 = 6, कितना आंसर आ गया, 9 आ गया। चाहे तो ऐड करके कर दो, बात एक ही है, तभी आपको 9 ही आंसर आने वाला है। अगर आप ऐड करके करते हैं तभी आपको 9 ही आंसर आने वाला है। 3 × में ब्रैकेट का ब्रैकेट हटाओगे, गुणा लगाओगे, सिंपल सी बात है। और 2 × 1 = 2 और 1 कितना होता है, ऐड करने के बाद 3 आ जाएगा ना, और 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। 9 देखो आंसर आ चुका है, ठीक है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके बाद एडिशन करना है, ठीक है। लगेगा बोर्ड मास का नियम ही यहाँ पर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ब्रैकेट पहले होगा, अगर ब्रैकेट पहले आप सोल्व भी कर देंगे तभी कितना यहाँ पर आंसर आएगा, 3 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। ब्रैकेट अगर आप पहले सोल्व भी कर देंगे तभी 2 × 1 + 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 3 ही तो आएगा ना, ठीक है। देखो मैं सोल्व कर दिखाता हूँ आपको, 6 × 2 = ऐसे तो लिखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, फिर से आपको बोर्ड मास का नियम लगाना होगा। तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग फिर आपको डिवाइड पर जाना होगा, तो डिवाइड आपको पहले करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दोबारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 × 3 कितना आ गया, 9 आंसर यहाँ पर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ही आपका यहाँ पर 3 आंसर आने वाला है, ठीक है। आदित्य रॉय, आपको समझ में आ चुका है ना बिल्कुल, कि ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद कैसा कुछ यहाँ पर आएगा। जैसे आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी पार्ट आपको दे रखा है वो पूरा सॉल्व करना होगा। अगर इसके अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट होता, वैसा वाला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आप सभी को थोड़ी देर बाद, ठीक है। कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट होता तो उसे आपको सॉल्व करना होता फिर, ठीक है। जैसे मान लो गुणा आ जाए, कुछ भाग आ जाए, तो पूरा आप सॉल्व करते। बट यहाँ पर सिंपल सा एडिशन है, मतलब 2 + 1 = 3 ही तो होगा, सिंपल सी बात है। हाँ जी, डन डन, बिल्कुल। तो आप लोग बता लीजिए इसको, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को भी। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बना ही देते क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा ही क्वेश्चन था, ब्रेकेट वाला क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ पर एक ट्यूस वाली बात यह है कि उसके अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता ना, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं फिर बाहर वाले को सॉल्व करते हैं। ये चीज़ मेन था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मेन चीज़ ये है, ठीक है, उतार लीजिए। अच्छा, रात में लाइव सेशन कैसा लग रहा है, कुछ एक बार आपको कमेंट जरूर करना, ठीक है। रात के 1-2 बज रहे हैं, आई थिंक 2:05 हो रहा है, कैसा कुछ लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। वैसे मज़ा ही आ रहा होगा, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड साउंड तो नहीं आ रहा होगा ना कुछ ऐसे करके। अच्छा, दिन की लाइव बेस्ट होती है या रात की लाइव बेस्ट होती है? अगर रात का बेस्ट है तो मैं आगे से 1-2 लाइव लिया करूँगा इसी तरीके से हफ्ते में। आप लोग कमेंट करें, इससे मैं आपको उतारती भी रहे साथ में। चलिए, एंजॉइंग। अच्छा जी, अच्छा दिन में लाइव किसने जोड़ा, दिन की लाइव में कोई जोड़ा है क्या अब तक? आप लोगों ने बहुत सारी क्लिप्स देखी होगी मेरी, तो वो दिन की लाइव्स होती हैं, तो उसमें आई थिंक शायद बाहर का जो बहुत ज़्यादा साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। रात की बेस्ट है, रात की बेस्ट है। रात में क्या होता है ना कि मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो रात में मैं उठा तो रहता हूँ बट रात में लाइव ले नहीं पाता हूँ मैं, तो दिन की लाइव इसलिए लेता हूँ मैं। रात में क्या होता है कि रात में आप सभी के लिए रिकॉर्डेड वीडियो होती है, उन्हें रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो सब काम रात में ही करता हूँ ना मैं। चलिए, उधर व्लॉग्स भी चल रहे हैं तो उनको भी मैं एडिट करना पड़ता है, तो काम तो रहता ही है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे मुझे भी अच्छा लग रहा है रात में लाइव लेने में। देखते हैं नेक्स्ट लाइव कब होगा, कुछ पता नहीं है। आई होप नेक्स्ट लाइव बहुत जल्दी ले लूँ मैं, सोच रहा कल ही ले लूँ। चलिए देखते हैं क्या कुछ रहेगा, आपको शॉर्ट्स के जरिए बता दूंगा मैं। लास्ट का एक क्वेश्चन और रहेगा यहाँ पर, 5वां। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, 5 + 3 × 5 माइनस में 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आपको क्या करना है, गुणा करना है यहाँ पर। तो 5 + 5 = 15 माइनस का 3, फिर आप करेंगे एडिशन। एडिशन करने पे कितना आ गया, 20 आ गया, माइनस में 3, तो घटाने पे कितना आ गया, 17 इज द करेक्ट आंसर। क्या आप सभी का भी ये आंसर आया है? आप सभी का ये आंसर नहीं आया, आप लोगों ने आंसर निकाला अभी तक? अभी आप कहाँ पर लाइव ले रहे हैं, अपने स्टूडियो में? बिल्कुल सही है, मैं आदित्य श्रीवास्तव मैच पर लाइव ले रहा हूँ, करंटली मैं स्टूडियो में हूँ। लोकेशन पूछे तो स्टूडियो में अपने हूँ और लाइव ले रहा हूँ मैं आदित्य श्रीवास्तव मैच पर, ठीक है। चैनल पूछ रहे हो तो थोड़ा सा